चुपके वेट कर रही थी आपका। हेलो, कैसे आप लोग? बस ठीक मैम, आप कैसे हो? बस बढ़िया, एकदम मस्त बढ़िया। हमारे सॉन्ग की अब तैयारी कर रहे हैं रिलीज के, सॉन्ग बस उसकी तैयारी चल रही है एंड वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड कि हमारा गाना आ रहा है नया तेरे बिना। आप लोगों ने देखा मोशन पोस्टर? देखा देखा, कैसा लगा? कौन सा वाला देखा पहले बताओ? रेड वाला देखा, उसके पहले भी एक और जो गाउन पहना हुआ मैंने, कैसा लगा? हेलो हेलो, अभी ट्रेलर रिलीज पे है, आज या कल में ट्रेलर रिलीज हो जाएगा, गाना एक आध दिन में गाना रिलीज है, तो वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट। लेकिन ना कपड़ों में ज़्यादा रूम में जाना, मैंने वो बारिश के कारण ना बोली हुई है, मैंने सोचा था मैं बहुत अच्छी तरह से ना भक्ति कपड़ों में आऊँगी और कुछ ऐसा करूँगी कि अच्छा लगे, लेकिन घर में आके कुछ ना वो बाल पता चले पड़े बारिश के कारण। और वो जैसे सब अविनाश इतना चुप रहता है, मैं चाहती हूँ कि अविनाश को बोले, मेरे हिस्से का सब उन्होंने बोल दिया है, उसी को इंटरव्यू कर दिया। नहीं नहीं प्लीज़ बोलो ना, अभी गाने के लिए कुछ तो हमें तो कुछ करना पड़ेगा। यार गाना हम लोगों ने बहुत प्यार से बनाया, खुद ही बनाया गाना, गाने की एक फ्रीडम ने खुद रखी है। हाँ, और मतलब गाना जब पहली बार हमने सुना था तो हमको ऐसा लगा यार ये गाना तो करना ही चाहिए किसी भी हालत में, इतना रोमांटिक गाना, बारिश में तो मतलब आग लगाने वाला गाना। तो आई विश कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आए वो, और क्योंकि हमारे तो दिल में उतर गया। सब खामोश है, क्या बात है? हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं आफ्टर क्वाइट सम टाइम, अभी तो टाइम हो गया लास्ट गाने को आए हुए, और हम दोनों का साथ में गाना आ रहा है तेरे बिना, और इसमें एक्चुअली फर्स्ट टाइम, हमेशा तो अविनाश खा जाता है एक्टिंग में, लेकिन इस बार मेरे लिए परफॉर्मेंस का बहुत स्कोप है गाने में। अविनाश का गाना है लेकिन मेरा बहुत स्कोप होगा गाने में परफॉर्मेंस करने के लिए। तो अविनाश कुछ कहना चाहते हो मेरे परफॉर्मेंस के बारे में? बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया, और मतलब जब हम गाने की स्टोरी बना रहे थे तो गाने की स्टोरी थोड़ी अलग थी, उसमें लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्टिंग ज़्यादा थी, लेकिन हमने फिर उसको बदला और ऐसा लगा कि संभावना को यहाँ पर ये पार्ट प्ले करना चाहिए, तो संभावना ने पार्ट प्ले किया। और इस गाने का जब हमने पहली बार मुखड़ा सुना, बहुत कम गाने ऐसे होते हैं कि मुखड़ा सुनते ही आपको पसंद आ जाते, वरना आपको गाने को बार बार सुनना पड़ता है जहन में उतारने के लिए, इसका मुखड़ा सुनते ही हमने कहा यार ये गाना तो हम करेंगे, और हम ही करेंगे, मतलब एक्ट तो करेंगे लेकिन इस गाने को बनाएंगे भी हम, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि गाना हमारे अकॉर्डिंग ना बने, तो हमने पूरी अपनी तरफ से मेहनत करके उसको अपने हिसाब से बनाया। ये बिल्कुल नहीं देंगे हम, बिल्कुल बताएंगे भी नहीं। गाना देखो आप लोग जो सोच रहे हो ना, जो अगर आपने पोस्टर देखा है और जो मैं बहुत ग्लैमरस दिख रही हूँ, जब आप गाना देखोगे ना, ग्लैमरस तो डेफिनेटली है ही है, गाना अगर ग्लैमरस नहीं होता तो ये नहीं चलेगा, लेकिन उसके साथ साथ क्या हुआ है गाने में वो एक कहानी है जो मैं बिल्कुल रिवील नहीं करूँगी, बिल्कुल नहीं बताऊँगी मैं। रियल लाइफ में ये ज़्यादा रोमांटिक है? हाँ, मैं तो वो फिल्मी वाला रोमांटिक हूँ, ये तो बिल्कुल मतलब बिल्कुल वो पुराने 90s के फिल्मी वाले गाने होते हैं ना, आज भी इसको सुना लो गाड़ी में तो वही लगते हैं, मतलब मैं सड़क पे हाथ खोल के खड़ा हो सकता हूँ, मैं शाहरुख बन सकता है, फिल्मी वाला मेरा रोमांस है बड़ा, मैं नहीं हूँ। इट इज़ अ रोमांटिक नंबर, लेकिन बहुत अलग सॉन्ग है, जब आप देखोगे ना इससे इस बार थोड़ा सा रुलाएंगे हम लोग पब्लिक को डेफिनेटली। अगर अविनाश के साथ साथ, अविनाश मैं बता देती हूँ रोया गाने में, और अविनाश के साथ साथ अगर हमारे जितने सब्सक्राइबर्स हैं, हमारे इतने चाहने वाले जो भी हैं लोग, अगर वो ना रोए तो हमारा मतलब गेम प्लान वेस्ट हो जाएगा। वी वॉन्ट कि जितना इमोशनल अविनाश गाने में हुआ है, जो इमोशन से हम लोग निकले गाने में, वही इमोशन से अब लोग भी निकलें आफ्टर सिंग द सॉन्ग। IVF की ट्रीटमेंट के बाद देखो ना मेरी तो हालत खराब है, देख लो मेरा वेट पुट ऑन हो चुका है, जिसके बारे में मैं ज़्यादा इतना ज़्यादा चिंता नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये होता है, मेरे बैक टू बैक दो IVF, इतने हॉर्मोन्स के इंजेक्शन लगे हैं, तो ऑब्वियसली वो फुग्गा बन जाता है। आई हैव पुट ऑन सो मच, आई हैव पुट ऑन सम 8 kgs। इस गाने की खास बात ये भी है कि संभावना के IVF के बाद ये उसका पहला गाना या पहला कोई भी काम है जिसके लिए उसने बहुत मेहनत करी वेट लूज करने की, लेकिन नहीं हुआ
और उसके बाद तुरंत वो फॉर्म में आई, तो इसलिए भी गाना बहुत स्पेशल है हमारे लिए। हाँ, लेकिन ये IVF का ट्रीटमेंट हुआ मेरा, और जैसे ही ख़त्म हुआ उसके तुरंत बाद ये गाना हुआ, तो मेरे पास वेट लूज़ करने का टाइम भी नहीं था, तो जैसे भी हूँ मैं ऐसी वेट गेन के साथ गाने में दिखूँगी, लेकिन अच्छी दिखूँगी मेरे ख्याल से। तो हमने बहुत कुछ देखा है ना। एक्चुअली संभावना को जंगल सफारीज करना बहुत पसंद है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन जब से उसके साथ मैं जाने लगा तो मुझे जंगल का साइलेंस बहुत पसंद आने लगा और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आपका फ़ोन का नेटवर्क चला जाता है तो आपको कोई फ़ोन नहीं कर सकता, तो मुझे लगता है किसी भी कपल के लिए ना सबसे रोमांटिक जगह जंगल है, क्योंकि आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ आपको फ़ोन तो आते रहेंगे, आप टाइम स्पेंड कर नहीं पाओगे, तो जंगल चले जाओ। मैं जंगल में जाती हूँ टाइगर्स के लिए, एनिमल्स देखने के लिए, ये जाता है मेरे लिए ताकि मेरे साथ टाइम स्पेंड हो सके। सो वी रियली एंजॉय, हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है जहाँ पे नेटवर्क जोन से बिल्कुल बाहर हो, किसी वैसे भी कोई नहीं फ़ोन करता मेरे को, लेकिन ऑल द मोर कोई फ़ोन ना करे। हाँ जी हाँ जी, किस में जाने का शौक है? बेयर ग्रिल्स के शो में मैं चाहता हूँ संभावना जाए, जा सकती हूँ, संभावना जाए, और संभावना जा सकती है, वो तो मतलब इतना एंजॉय करेगी उसको, और ऑडियंस भी बहुत एंजॉय करेगी क्योंकि वो एक सेकेंड, हाँ दोबारा क्वेश्चन करो। मेरा तो ऐसा कोई प्लान नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ संभावना जरूर जाए, क्योंकि संभावना भी बेयर ग्रिल्स जैसी वाइल्ड लाइफ एंथुजियास्ट है, और ये दोनों मिलके जो एपिसोड को खिला देंगे पूरा, जनता बहुत एंजॉय करेगी, क्योंकि वो दिल से जंगल्स को बहुत पसंद करती है, एनिमल्स को बहुत पसंद करती है, तो मैं तो संभावना को डेफिनेटली देखना चाहूँगा शो में। और मैं भी संभावना को डेफिनेटली देखना चाहूँगी जंगल में, क्योंकि मुझे पता है जब संभावना वहाँ जाएगी तो ह्यूमर बड़ा अलग क्रिएट होगा, और मैं चाहूँगी संभावना के साथ उसका पति अविनाश भी जाए, क्योंकि हम लोगों जब दोनों साथ में होते हैं ना तो एक अलग ही चीज़ निकल के आती है जो कि हम लोगों ने सोचा नहीं होता है, एंड इवन इन आर व्लॉग्स हम लोग कभी कुछ सोचते नहीं है, लेकिन कुछ अलग ही निकल के आ जाता है। तो वी रियली एंजॉय ईच अदर्स कंपनी, लड़ते भी हैं लेकिन एक ही साथ रहना चाहते हैं, ऐसा है। चिट्टी नहीं है उसका नाम, नहीं तुम बोलती हो ना चिट्टी, चिट्टी मैं बोलती हूँ प्यार से, चुन चुन कोको चेरी कैंडी, चारों बहुत बढ़िया है, चारों घर पे अभी उनको फेंक के आए हैं, और आज मतलब ऐसा हो जाता है ना, एनिमल लव मेरा ऐसा है कि आज सुबह की मैं कहानी आपको बता दूँ, मैं वॉशरूम गई हूँ एक मिनट के लिए, और उसके बाद क्या हुआ अविनाश, और चुन ने क्या किया, उसने इतनी देर में ही रोना शुरू कर दिया है ऐसे ही, मतलब मैंने कहा मैं बाथरूम में गई थी, तो उसके लिए ना एक मिनट का गैप या एक दिन का गैप, उसके इमोशन सेम ही होते हैं, इतना रोती है ना मेरे बिना, तो मेरा एनिमल लव और उनका मेरे लिए लव सेम ही है। फैंस के लिए मैं मैसेज दे दूं, देखो इधर कैमरामैन अपने आपस में बातें कर रहे थे ना, मैंने कहा कहीं फ्रेम ना हिल जाए, तो फैंस को यही मैसेज देना चाहेंगे कि बड़ी मुश्किल से बारिश में बाल बनवा के पैप्स के सामने आए हैं सिर्फ आपके लिए, पैप्स हमें कवर कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और सिर्फ यही बोलेंगे कि प्लीज़ 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 हमारे गाने को प्यार दो, बहुत मेहनत से बनाया है तेरे बिना, और ये जब हाँ बोलो 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 तुम्हें बोलना जरूरी है। जब आप गाने को प्यार देते हो तो हमारा मन करता है एक और गाना बनाने का, तो इस गाने को जितना प्यार मिलेगा उससे फिर हमारा हौसला और बढ़ेगा, हम कोशिश करेंगे एक और अच्छा गाना बनाएं, काफ़ी दिन से कोशिश कर रहे हैं डांसिंग नंबर करने की, शायद वो लेके आए, ना हो कि वो हौसला वो तोड़ना चाह रहे हो, तो वो हौसला ना बढ़ाने के लिए गाना ही ना देखें। दोस्तों गाना देखो हमारा, उसको हिट करा दो, हमारे गाने को हिट कराओ, बहुत ज़बरदस्त गाना है, बहुत परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाना है, संभावना ने तो कमाल का ही काम किया है, पति तो अच्छा काम करता ही है। थैंक यू सो मच। एक मिनट एक मिनट।